दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अम्बाला में भी आज पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसका आयोजन अम्बाला कैंट रामलीला क्लब की तरफ से किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग रावण दहन देखने के लिए पहुँचे। विजयादशमी पर्व से हमें यही प्रेरणा लेनी है कि हमें अपने अंदर के रावण की बुराइयों का मिलकर खात्मा करना है। उन्होंने कहा कि सच्चाई के लिए अगर किसी भी हद तक जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज और देश में ऐसी ताकतें हैं जो कि बुराई का प्रतीक हैं, हमें मिलकर उन ताकतों का संहार करना है। श्री रामलीला कमेटी की पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। ये जो बुराई के प्रतीक पुतले बनाकर हर साल हम जलाते हैं, वास्तव में ये लड़ाई है जो सदा चलती रहती है। बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष हर पल हर दिन चलता रहता है और हमें ये दिन यही प्रेरणा देता है कि हमें सच का साथ देना चाहिए और सच्चाई के लिए अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हमें जाना चाहिए और हमें अपने अंदर के रावण को भी रोज मारना है, रोज हमें इनके साथ लड़ना है। समाज में भी देश में भी ऐसी ताकतें हैं जो बुराई का प्रतीक हैं, जो शांति को, देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, समाज को समाज से लड़ाना चाहते हैं, पूर्व को पश्चिम से लड़ाना चाहते हैं, उत्तर को दक्षिण से लड़ाना चाहते हैं। हमें उन ताकतों का भी संहार करना है, हमें उन ताकतों को भी चित करना है। ये जो विजयदशमी का त्यौहार है ये हमें इसी बात की प्रेरणा देता है। मैं आज आप सबको इस दिन की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ के जो अनाज मंडी रामलीला समिति है जो हर साल ये आयोजन करती है उसको मैं अपने कोष से 5 लाख रुपए सहयोग की राशि देता हूं। धन्यवाद। प्लीज जी, मैं एक नारा लगाना चाहूंगा कि आप भी साथ में